नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में तलवारें खिंच गई हैं अभी कुछ दिन पहले एक जो सचिवालय होता है जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है उसकी तरफ बीजेपी ने एक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया था और उस आयोजन में ये था कि पूरे पश्चिम बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक सब आकर कलकत्ता में प्रदर्शन करने वाले थे और फिर मार्च करने वाले थे सचिवालय की तरफ जिसको नबन्ना कहा जाता है और उसकी तरफ जब मार्च हो रहा था तो ज़बरदस्त वहाँ पर क्लैश हुई थी पुलिस के बीच में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में तोड़फोड़ आगजनी तक हुई थी बीजेपी के उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने जब उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा कुछ पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी आगजनी कर दी थी बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला ये था कि हिरासत में ले लिए गए थे बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं वहाँ के शुभेंदु अधिकारी जो कि इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके हिरासत में लिए जाने के बाद हालांकि ये राजनीतिक गिरफ्तारियां हिरासत होती हैं इन्हें कुछ समय के बाद इसमें छोड़ भी दिया जाता है लेकिन बीजेपी ने और शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें फंसाने की साजिश इसमें की जा रही थी और उन्होंने ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने कि मुझे अलग अलग धाराओं में अगैर जमानती धाराओं में आरोप लगाने की तैयारी मेरे साथ की जा रही थी उन्होंने ये कहा कि उन्हें आठ महिला पुलिसकर्मियों ने घेरा महिला ए क्रिस्टीना मैरी ने उन्हें धक्का दिया और यदि वह इस पर प्रतिक्रिया देते तो इनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर दिया जाता अधिकारी ने मीडिया से ये कहा बातचीत में कि सभी पुलिसकर्मी पुलिस की पोशाक में नहीं थे वह महिलाओं को मात्र शक्ति के तो रोप रूप में देखते हैं और वह तृणमूल की योजना में नहीं फंसे वह लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आई हैं और इसलिए उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं है तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी और साली के नाम पर बैंकॉक में अकाउंट खुलवाते हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त में वह एकमात्र सांसद थे जो दुबई में थे उसमें कई और भी बातें आई हैं बीजेपी ने कल इस मामले को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें रविशंकर प्रसाद को मैदान में उताराया गया भाजपा का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाने की एक कोशिश की थी और इसलिए महिला पुलिसकर्मियों के लिए उन्हें यहाँ पर डिप्यूट किया गया था और जबकि वहाँ पर बहुत सारी संख्या में पुलिस मौजूद थे पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद थे तो एक महिला जो कि सिविल ड्रेस में थी उसने उन्हें हिरासत में लिया और इसमें जो क्रिस्टीना मैरी नाम की पुलिस अफसर है उस पर यह आरोप है कि उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया पहले आपको मैं दोस्तों उसकी एक छोटी सी झलक दिखा देता हूं कि आखिर हुआ क्या और शुभेंदु अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर कर क्या रहे हैं और पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ था ये डबल डिस्प्ले में इसके देखिए आपको चीज़ें दिखाता हूँ ये वो वीडियो है और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हैं और साथ में ये महिला पुलिसकर्मी हैं जिन्हें वो कह रहे हैं कि देखिए आप महिला पुलिसकर्मी हैं आप मुझे मत छूइएगा और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ये सारी खबरें वहाँ मीडिया में छप रही हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत सारे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं यहाँ पर भी किसी चैनल ने ये वीडियो चलाया है कि शुभेंदु अधिकारी साफ़ कह रहे हैं कि आप किसी महिला पुलिस अधिकारी से मुझे अरेस्ट करवा रहे हैं ये एक साजिश है और ये क्रिस्टीना मैरी नाम की एक पुलिस अधिकारी है जिन्हें शुभेंदु अधिकारी आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं देखिए आप मुझे टच मच कीजिए जबकि आप देख रहे हैं कि आसपास तमाम पुरुष पुलिस कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद हैं इस मामले ने बड़ी तूल हो गई है और इस मामले को लेकर बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ रही है चीज़ें और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलने लगे हैं मीम्स बनने लगे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी ने कई आरोप लगाए रविशंकर प्रसाद जो नेता हैं बीजेपी के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और उन्होंने कहा कि बंगाल और बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और उन्होंने कई और आरोप लगाए कि बंगाल में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म किया गया उन पर अत्याचार किया गया उन पर वहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मजूमदार उन्होंने भी कहा कि भाजपा के नबन अभियान में पुलिस के अत्याचार के खिलाफ भाजपा राज्य पर में जेल भरो आंदोलन करेगी और दुर्गा और काली पूजा के बाद इस आंदोलन की तिथि की घोषणा की जाएगी पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए जाने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा पत्थर मारे जाने के वीडियो मौजूद हैं और आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की घटनाएं इस समय वहां पर हो रही हैं और दिलीप घोष जो पूर्व यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के आंदोलन से डरकर ममता बनर्जी जिलों में भाग गई हैं और कहा जाता है कि आंदोलन से ही वह सत्ता में आई थी तो फिर आंदोलन से उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है हम लोग तो बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह चो, चोरों को लेकर सरकार चला रही हैं और बेरोजगार युवा करीब 600 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है इन सब चीजों को लेकर प्रतिक्रिया चल रही है हालांकि इसमें कांग्रेस के नेता हैं जो अधीर रंजन चौधरी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो और लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं सांसद भी हैं तीन चार बार से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष हटाकर बनाया जाना था लेकिन अब बनाए किसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है अधीर रंजन चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहा है कि तृणमूल कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल में मृत प्राय हो चुकी भाजपा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है उनका कहना है कि इस तरह की घटना के बाद बीजेपी को बल मिलेगा और बीजेपी अब आगे और ज्यादा उग्र होकर इस चीज को लेकर आएगी सामने इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं सब लोगों का ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी को जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया मीडिया वालों ने क्रिस्टीना मैरी नाम की एक जो महिला पुलिस अफसर हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ है कहा जाता है कि शीर्ष अधिकारियों से ने उन्हें कह दिया कि आपको किसी मीडिया वाले से बात नहीं करनी है और इस पूरे कुणाल घोष जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं उन्होंने तो इसकी तुलना एक बांग्ला फिल्म है सप्तपदी उससे कर दी है और उन्होंने कहा है कि सप्तपदी फिल्म में अभिनेत्री सुचित्रा सेन अभिनेता उत्तम कुमार को उन्हें छूने से मना करती हैं जब क्रिस्टिना से संपर्क करने का कोशिश की गई तो उनका मोबाइल बंद पाया गया लेकिन उनकी जो साथ में महिला पुलिसकर्मी उनका कहना है कि शीर्ष अधिकारियों के निर्देश पर वो किसी से बात नहीं कर रही हैं इसलिए उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरी मैडम ने कोई गलती नहीं की कानून की रक्षा करने में नारी पुरुष को अलग अलग देखना सही नहीं है देखिए यहाँ पर बात क्या है बात यह है कि जब आप कहीं पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तो वहाँ पर महिला अधिकारियों को इसलिए डिप्यूट किया जाता है कि कोई पुरुष उनके साथ गलत तरीके से कोई हरकत ना करे कोई छेड़छाड़ ना हो जाए और आपत्तिजनक कोई हरकत ना हो जाए लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे में ये भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि अगर एक महिला पुलिसकर्मी को आप किसी पुरुष नेता को गिरफ्तार करने के लिए भेज रहे हैं तो वो भी ऐसा है ही हो जाता है वो कुछ नहीं कर सकता है एक बड़ी अजीबो गरीब स्थिति हो जाती है उसके सामने असहज स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं अगर कोई दूसरा पुलिस अफसर होता पुरुष वहां पर पुलिस अफसर शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए गया होता तो निश्चित रूप से वो छीना झपटी भी कर सकते थे प्रतिरोध भी अपना जता सकते थे आक्रोश भी दिखा सकते थे लेकिन ऐसी स्थिति में शुभेंदु के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और ये निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश थी कि एक महिला पुलिस ऑफिसर को भेजा जाए और वो उन्हें पकड़ लें और फिर उसके साथ वो छीना झपटी भी नहीं कर सकते छीना झपटी करेंगे तो यौन उत्पीड़न और तरह तरह के मामले बनते हैं वो आपके खिलाफ दर्ज करा दिए जाएंगे तो ये ममचा ममता बनर्जी का जो एक रवैया है ये एक कमज़ोर रवैया है और इससे निश्चित रूप से इतना तो हो गया है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है दो का ममता बनर्जी ऐसे है जिस स्थिति में है और भाजपा एक बार फिर से उग्र हो रही है और भाजपा ने अपना दमखम दिखाना वहाँ पर शुरू कर दिया है बहरहाल ये लंबा गेम है ममता बनर्जी और केंद्र सरकार और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है इसका अभी मुझे कोई और छोर नज़र नहीं आता कोई अंत नज़र नहीं आता अलबत्तः सुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर मौका मिल गया है कि वो सारे प्रकरण को लेकर जनता के बीच जाएं और टीएमसी को बेक करने की कोशिश करें शुभेंदु अधिकारी को इसका सही मायने में इंतजार भी था ममता बनर्जी से सीधे रूबरू होने का टक्कर लेने का उनके मन में था भी क्योंकि वो टी से छोड़कर ही आए हुए हैं इस मामले में जो भी अपडेट होगा डेवलपमेंट होगा उस पर हम चर्चा करते रहेंगे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वैसे तो पश्चिम बंगाल में, में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं पिछले चुनाव में हमने बहुत बढ़िया कवरेज की थी अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो फीडबैक के माध्यम से कमेंट के माध्यम से अपना आ, मत जरूर नीचे लिखें और अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो अपने यारों दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें देखते रहिए हर्ष की बात लाइव नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें